वही तो आ गए हैं पीसी लेने। पीसी किसके वाले ले आए? मिस्टर पीसी वाले। पीसी वाले क्या तो 3070 वोल्ट है, क्या मस्त पीसी वहाँ के दिया। ना ही हैंग, ना ही लैग, कुछ नहीं। किसी को पीसी ले आए तो लो, क्या लेना है? पीसी लेना है तो लो भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो भाई आप लोग बताओ ये भुवन बाम की कौन सी कॉपी है? मैं बताऊं, ये भुवन बाम की फर्स्ट कॉपी है बंदा, फर्स्ट कॉपी। देखो एज इट इज भुवन बाम लग रहा है, बस खाली इसका साइड का चिन हल्का सा पतला हो जाए, इधर का पतला हो जाए, सेम एज इट इज भुवन बाम लगेगा, सेम भुवन बाम की कॉपी लग रहा है। आप लोग बताना। नमन दुबे नाम है भाई का। बहुत आप लोगों ने कहा कि शराब भाई 2 लाख रुपए में 16.50 दिया, 2 लाख में 30-60 दिया। लो इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर इधर आओ। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये क्या है मेरा भाई। इधर दिखाओ, 2 लाख रुपए में 30-70 दिया। अब अप्रिशिएट नहीं करो क्या है? अब कमेंट में कम से कम लिख के तो कह दो, छतर भाई बहुत अच्छा लगा आपने 2 लाख रुपए में 30-70 दिया। अप्रिशिएट तो करो मेरा भाई, 3900X प्रोसेसर दिया। सो व्हाट्स ऑल अप, कैसे हो आप सब? चला भाई यार, अंकित भाई यार, और वेलकम टू मिस्टर पीसी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली। आजकल व्यूज बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्टिव कम हैं, और 2 लाख रुपए का पीसी मात्र 2 लाख रुपए का। क्या क्या चीजें इसमें एड ऑन है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नमन भाई हमारे बाहर बैठे हुए अपने रिस्पेक्टेड मदर फादर के साथ आए हैं। आगे वीडियो में मैं आपको रूबरू कराऊंगा उनसे। और चलो पहली बार आप लोग आए तो क्या करना है, आपको नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिए ना, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना भाई, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑल कर लेना, ताकि कोई भी हम नई वीडियो डालेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अंकित का नंबर वहां पर दिया है, 9532777615। कोई नया पीसी बाय करना है इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें यूज हो रही है, चैनल पे पहली बार हम लोग इस कैबिनेट को दिखा रहे हैं, इसका नाम है थर्मलटेक लेवल 20RS। लगभग 12-13 हजार के बजट की कैबिनेट है, फॉर कैबिनेट है, एक नंबर कैबिनेट है, मैं सच बता रहा हूं आपको। 200 mm के फैन फ्रंट में आते हैं, 1-2 ऊपर देखो 360 mm का रेडिएटर लगा सकते हो आप। और ये देखो पोर्ट इसके कितने जबरदस्त दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ, RGB बटन और हेडफोन जैक, माइक जैक, ठीक। लुक इतना अच्छा लग रहा है, देखिए ये देखो यहाँ पे देखो RGB दे रखी है, और इस साइड देखो 4 पोर्ट दे रखे हैं, 2 3.0 के, 2 2.0 के पोर्ट, ठीक। साइड में आपको ट्रांसपेरेंट दे रखा है, जबरदस्त केबल दे रखे हैं, और इस साइड भी आपको ट्रांसपेरेंट ही दे रखा है। और एक बार बताऊं आपको, इसमें वर्टिकल माउंट भी दे रखा है, वो देखो ठीक, अभी खोल के दिखाएगा अंकित, वर्टिकल माउंट दे रखा है। वाटर कूलिंग आप इसमें कर सकते हो, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे थर्मलटेक का लोगो है। अगर आपका बजट, इधर देखो मीटर देखो, अगर भाई लोग आपका बजट 12,000 के रेंज का है, कसम से बता रहे हैं, कोई थर्मल टेकरों ने एक चोनी नहीं दी हमको, ना हमको अंकित को चाहिए, हमारे पास आपका सपोर्ट बहुत है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कैबिनेट है, मस्त। पहली बार मैंने देखी, पहली बार मैं इसको दिल दे बैठा, थोड़ा सा दिल आपकी भाभी से की तरफ से कम किया, इसको दे दिया, सही बता रहा हूँ एक भाई। और उसके बाद क्या क्या सामान लग रहा है इधर देखो, उसके बाद हम लोगों ने जो इनको लूटा है वो इसमें लूटा है, इसमें लगी है 16। भाई साहब इन सारे कंपोनेंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जाइए और वहां से परचेज कर लीजिए जब तक हमारी वेबसाइट नहीं आ रही, ठीक भाई। ये 8-8 GB के 2 स्टिक्स रैम यूज हो रही है, XPG GameX D30। लेकिन हम सोच रहे हैं एक छोटा सा सरप्राइज दें उसको, ये रैम हटा के इसमें लगा दें RGB रैम। कौन सी? RGB रैम, ठीक। उसके अलावा इसमें जो मदरबोर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है ASRock X570 स्टील लीजेंड वाईफाई AX। और ये देखो भैया का है आपके सामने, इसको हम खोलते हैं मदरबोर्ड और दिखाते हैं। ये देखो ये रहा मदरबोर्ड ASRock का X570 स्टील लीजेंड, ये देखो रखा हुआ मदरबोर्ड, ये रखा इसका देखो सामान, ये रहा सामान, और ये देखो वाईफाई एंटीना वगैरह हो गया इसका, बहुत लाजवाब भैया, लुक तो बहुत अच्छा है। ये देखो एक वाईफाई एंटीना इसमें दे रखा है, ब्लूटूथ का, वाईफाई का। उसके अलावा ये कुछ बुकलेट रखी हैं, ये DVD रखी है सॉफ्टवेयर की, साटा केबल, NVMe के पेज, और मेन ये रहा हमारा मदरबोर्ड जो कि आपको दिखाते हैं। ये देखिए मदरबोर्ड, देखिए थ्रेड्स इसमें लगे हुए हैं, पंडित ये काटो यार दादा, ये देखिए ये पूरा पैक होके आता है इसमें, ये देखिए इधर से भी लगा, इधर से भी लगा है।
भाई ये देखिए, ये निकला हमारा मदरबोर्ड, ठीक है। ये देखिए मदरबोर्ड है, यहाँ RGB, ERGB, 4 RAM स्लॉट, 2 ATI के स्लॉट रखे हैं, 2 NVMe स्लॉट रखे हैं। ये देखिए IO पोर्ट, टाइप सी का भी आपको इसमें पोर्ट मिल जाता है, और ये गीगाबिट लैन, और आपके ये हो गए वाईफाई और मदरबोर्ड के वाईफाई और ब्लूटूथ के पोर्ट, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड इस बोर्ड हम लोग इस बोर्ड पे यूज कर रहे हैं, ASRock X570 Steelligent Wi-Fi X, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड को ज़्यादा हटाते हैं, ऊपर रख देते हैं क्योंकि अंकित भाई अभी बिल्ड करेंगे, तो सारा सामान इसके अंदर रख दें, 2 मिनट रुको आप। सो भाई हम कहाँ पे थे हमको पता नहीं, इसलिए क्योंकि कुछ हमारे कस्टमर्स आ गए थे, कुछ फैमिली मेंबर्स आ गए थे, सब्सक्राइबर्स आ गए थे, आगे बैठे हुए हैं, एक सर आए जो आर्मी में है, अभी आपको मिलवाते हैं, मजा आ जाएगा। फैमिली सर आए, अपनी बड़ी क्यूट सी फैमिली, आंटी हैं, अंकल हैं, दो बच्चे हैं, बच्चे हैं उनके। तो भाई अब यहाँ पे जाते हैं, अब उसके बाद तो ऐसे फेंकोगे तुम यहाँ पर, खाली डिब्बा भाई, 13 कैसे फेंक रहा था ये, कैसे फेंक रहा है, खाली है, भरा है ये, ये रहा फैन इसका, अच्छा फैन लगा है, बना लेते टोपी पहना लेते लेकिन साला फैन बाहर रखा है, ठीक भाई। तो इसमें एक पीछे हम लोग लगा रहे हैं RGB फैन, XPG का विंटो जो कि लगेगा पीछे, इसमें लगा था पीछे एक नॉन RGB फैन लगा था, बहुत लो RPM का, उसको निकाल के हम लोगों ने अच्छे RPM का फैन लगाया है। उसके बाद जो उसमें NVMe यूज हो रही है, वो यूज हो रही है XPG SX8100। अब मैं बताऊं आपको, जो सैमसंग की 970 EVO Plus आती है ना, उसके इक्विवेलेंट इसकी रीड और राइट स्पीड है 1 TB की NVMe लग रही है। सोचो 2 लाख रुपए के बिल्ड में 3070 X570 3900X और 1 TB की NVMe इसमें लग रही है, ठीक है भाई। 1 TB की NVMe लग रही है, इसकी रीड स्पीड है अप टू 3500 Mbps, राइट है अप टू 3000 Mbps। गॉट इट। प्राइस की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, चेक कर लेना आप लोग, अराउंड 11-12 हज़ार के आती है भाई। तो उसके बाद इसमें सेकेंडरी स्टोरेज भी लग रहा है WD का, 1 TB की हार्ड डिस्क 7200 RPM पे लग रही है, ये लग रहा है सेकेंडरी स्टोरेज। कॉस्टिंग की बात करें तो अराउंड 3100 से लेके 3300 तक कॉस्ट करती है ये, ठीक। और उसके बाद क्या लग रहा है, उसके बाद जो उसमें प्रोसेसर लग रहा है, आप उस करीब आओ, ये लग रहा है Ryzen 9 3900X 12 कोर 24 थ्रेड फुल सील्ड पैक, सीरियल नंबर ये रखा, ये लिखा देख लीजिएगा। अब ये प्रोसेसर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि उसको चाहिए था Ryzen 9, उसको मेनली नमन को करनी स्ट्रीमिंग, तो Ryzen 9 प्रोसेसर इसीलिए हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। बजट था थोड़ा सा टाइट, Ryzen 9 5900X की तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि थोड़ा बजट टाइट था, गेमिंग करनी थी तो मेन फोकस करना था आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, कॉस्टिंग की बात करें तो अराउंड 42,000 लेके 45,000 के बीच ये आपको फ्लक्चुएट होता है। उसके अलावा इसमें एक जो पावर सप्लाई लग रही है, वो लग रही है कूलर मास्टर की MWE 850W V2 फुली मॉड्यूलर 80+ गोल्ड सर्टिफाइड 5 ईयर्स वारंटी साथ आती है, अराउंड 10,000 के आसपास इसका प्राइस घुमा करता है, कभी 9,000 की, कभी 9,500 की, कभी 10,000 की मिला करती है, ठीक। उसके अलावा जो इसमें AIO लग रहा है, वो लग रहा है लियानली गैलाहर्ड, अरे व्हाइट गड़बड़ उठ गया, ब्लैक लगेगा, लियानली गैलाहर्ड ब्लैक 360 mm का AIO लिक्विड कूलर, लियानली है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कॉस्टिंग की बात करें तो शायद 11,500 से लेके 12,500 के बीच ये AIO आपको कॉस्ट करता है, ठीक। उसके अलावा जो ग्राफिक कार्ड लग रहा है भैया, वो लग रहा है Zotac Gaming M4Lo ब्लैक टॉप वेरियंट G4 RTX 3070 5 ईयर्स वारंटी से आता है, 8 GB का DDR6 बेस्ड ग्राफिक कार्ड, और देखो भैया फुल सील्ड पैक, ये देख लो यहाँ से भी और ये रहा सीरियल नंबर, देख इसकी सील खोलते हैं यार, देखते हैं यार, मेरा मन हो रहा है इसको देखने का। देखो पंडित जी ब्लैक वाला AIO ले आए, देखो व्हाइट हटा दिया पंडित जी ने और ये ले आए ब्लैक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक, ठीक। अब आओ सब इसकी सील खोलते हैं, ग्राफिक कार्ड देखते हैं कैसा है। भाई ये देखिए पेज दे रखे हैं, उसके अलावा ये आप खोलोगे तो ये रखा है, इसका ब्रैकेट दे रखा है, इसको है होल्ड करने के लिए क्योंकि वेट है कार्ड में, और ये हमारा कार्ड GPU ग्राफिक कार्ड। ओ भाई साहब Zotac की जो पता है आपको M4Lo सीरीज है ना, वाट लगा दे सबकी, इतनी जबरदस्त सीरीज की, ये देखिए अबे पंडित कार्ड देख, बहुत वेटेड कार्ड है, जबरदस्त कार्ड है, लुक देखो कार्ड का एक बार, ये देखो डुअल फैन पे है लेकिन वाला जो साइज है ना वो ट्रिपल फैन का साइज है, ये देखो बैक प्लेट दे रखी है, बैक प्लेट में कहां का RGB, ERGB है, ERGB है,
और इसमें रोटा गेमिंग इसमें RGB है, RGB स्ट्रिप यहाँ जाती है, बैक प्लेट के साथ है, और उसके अलावा ये मोटी इतनी मोटी सी इसकी हीट सिंक रखी है, ये AIO पोर्ट से, ठीक, ये AIO पोर्ट्स हैं इसके, और उसके अलावा ये देखिए ये रहा हमारा भाई साहब GPU, ठीक। तो 3070 ग्राफिक कार्ड इसमें लग रहा है, कॉम्पोर्ट मैंने दिखा दिए। पंडित कहाँ तक पहुँचे तुम? पंडित ने कैबिनेट देखो पूरी नंगी कर दी है, क्या करोगे पहले बताओ? सबसे पहले लगा देंगे सेम्पियंस। भाई पूरी वीडियो देखना भाई, सच बता रहा हूँ, ये कैबिनेट बहुत अच्छी है, अपने बजट को जस्टिफाई करती है, एक नंबर कैबिनेट है, दिखो आप खाली, ठीक। हम सब लगा देंगे भाई, जरा हम ये सब सामान वामान रख दें इसमें, और जो कुछ आगे भाई लोग अपने आए सब्सक्राइबर्स आए उनसे मिल लें, और तब तक आप जो है वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो भाइयों अभी तक ये काम हो चुका है कि AIO हमने ओपन कर दिया, फैन लगाने जा रहे हैं। अगर इस कैबिनेट की पोर्शन की बात की जाए तो पूरी कैबिनेट ओपन करके AIO इंस्टॉल करने में इशू ना आए, इसलिए पूरी आगे का फेस भी हटा दिया, ऊपर का टॉप की केबल वगैरह भी हटा दी, SMPS का इंस्टॉलेशन कर दिया और हार्ड ड्राइव का इंस्टॉलेशन कर दिया, थोड़े बहुत जो हो सकते थे वो वायर भी मैनेज कर दिए पहले ही, ताकि हम पूरा बिल्ड करने के बाद केबल मैनेजमेंट में कोई इशू ना आए हमें, ठीक है। अब फटाक से लगा देते हैं AIO, लगा देते हैं फिर बंडल रेडी करते हैं, फिर बंडल इंक्लूड करके मशीन ऑन करके दिखाएंगे आपको फटाक से। तो भाइयों बिल्ट हमारा लगभग रेडी है, केवल एक GPU की दरकार है, तो GPU हम फटाक से इंस्टॉलेशन करके मशीन को आपको ऑन करा के इसका ओवरऑल लुक देते हैं कि मशीन देखने में कैसी आ रही है। तो GPU का इंस्टॉलेशन करने से पहले जो आपका PCI Express स्लॉट दिया हुआ है उसमें एक लॉक होता है, उस लॉक को पीछे कर लिया जाता है, और ये जो लॉक फ्रंट पे दिया हुआ है एक यहाँ ग्राफिक कार्ड में कट दिया हुआ है और PCI Express स्लॉट में भी कट दिया हुआ है, ये कट मैच करना है और एक अच्छा सा साउंड फील होगा आपको क्लिक का, तो वो क्लिक की साउंड अगर आपको आ जाए तो ये समझ लीजिएगा आपका GPU का इंस्टॉलेशन हो चुका है। सो भाई लोग मशीन अपनी बिल्ड होके रेडी हो गई, सुबह जरा पीछे केबल लगाओ जाके, देखिए फुल कंप्लीट बिल्ड हो गई है, और भाई साहब लेवल 20RS ये कैबिनेट अभी तक आप लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन आज मैं आपको सच बताऊं ना, 12,000 से लेके 13,000 के बजट की बेस्ट 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 कैबिनेट है। लुक देखो, खोला ऑन मत करना, ऑन मत करना, देखो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ स्विच रखा, सारे स्विच देख रहे हैं, इस साइड आपका रखा है, वो एक हेड लग रहा है कि किसी चीज का हेड है, लग नहीं रहा सूफी ऐसा है, लग रहा है कि ये मुकुट है किसी चीज का, ये RGB दे रखी है, दो 200 mm के फैन फ्रंट में दे रखे हैं,
एक पीछे उन्होंने लगाया एआरजी फैन, एआरजीबी फैन, और देखिए ऊपर आपका लगा है 360M का रेडिएटर, 3070 ग्राफिक कार्ड, और फर्स्ट टाइम ही देखिए आप इसका केबल मैनेजमेंट जो कि है हमारा आपका थर्मलटेक लेवल 20 RS, ये देखिए फर्स्ट टाइम उन्होंने केबल में इसे कैबिनेट यूज किया है, तो उसका केबल मैनेजमेंट ये रहा आपके सामने। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी लुक कैसा लग रहा है आप बताइए। अब इसको करते हैं स्विच ऑन, देखो पावर लगा दिए तो X570 स्टीलेजेंट में देखो RGB देखो, ठीक ये यहां से ऑन होगी, ये देखो ओ भाई साहब व्हाट एन अमेजिंग लुक। अंकित एक काम करते थे इसको पीछे से ये पैनल बंद कर दो इसका, व्हाट एन अमेजिंग लुक। देखो फ्रंट में दो ARGB फैन दे रखे हैं जिनको कंट्रोल आप यहां से भी कर सकते हो RGB के बटन से, ये देखो चेंज हो रहे हैं कलर इसके, है ARGB पे भी इसको लगा सकते हो आप, ये देखो ARGB पे लग गए, ठीक। और ये देखो एक ARGB स्ट्रिप इसके सर पे दे रखी, देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये देखो यहाँ से मतलब एक इतना धासु कैबिनेट है, भारी सी कैबिनेट है, धासु लग रही है, लुक बहुत प्यारा है कैबिनेट का, सीरियसली मैं बता रहा हूँ लुक बहुत प्यारा है, नो डाउट, क्योंकि कैबिनेट का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरा अपने विचारों को व्यक्त कीजिएगा, बताइएगा जरूर, हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छे ऐसे पीसी बिल्ड करें, तो भी फोन पकड़ो जरा। तो भाई कैसा लगा सिस्टम आप कमेंट करके बताना यार, मतलब ये कैबिनेट उन्होंने अपने चैनल पे पहली बार यूज किया तो थोड़ा सा एक्साइटेड हम भी थे, अंकित भी था कि यार फर्स्ट टाइम ये कैबिनेट उन्होंने अपने चैनल पे यूज की है, और चाहेंगे यही के फ्यूचर में भी इसको यूज करें क्योंकि सेगमेंट अच्छा है। आओ जनमन, और इसके मेन खिलाड़ी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, ये हमारे नमन भाई, नाम क्या तुम्हारा फुल नाम? नमन दुबे। नमन कहाँ से हो? बनारस काशी विश्वनाथ, काशी नगरी से आया है नमन, और अपने मम्मी के साथ आया है, अपने पापा के साथ आया है, और बाई कार आए हैं लेने, इसने पहले एडवांस कर दिया था। तो नमन ये बताओ एक वर्ड में तुम्हें मशीन कैसे लिया, मजा आया देख के, इतनी देर जो तुमने बैठे, तुम दो तीन घंटे बैठे टाइम वेस्ट किए, उसका पूरा लगा ना कि हाँ यूटिलाइज हुआ, वर्थ इट लगा। तो यार कोशिश तो हम लोगों की देखो यही रहती है कि जैसे नमन आया है, कोई देखो अब ये आया बैठा, इत्तेफाक था कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं बिल्ड करके रख देते हैं, लेकिन इसका बिल्ड से नहीं किया था क्योंकि इसके में लगी थी बड़ी 3500 mAh कैबिनेट। अब आपको पता है वो कैबिनेट 360 AIU 3900X 3070 कार्ड के हिसाब से वर्थ नहीं थी, इसीलिए कई चीजों में हमें कंफ्यूजन थी कि करें ना करें, और फिजिकल इसको दिखाना भी जरूरत है, मान लो हम लोग बिना मतलब के लगा देते, फिजिकल इसको पसंद नहीं आई, इसीलिए फिजिकल कैबिनेट दिखाई पहले कि बताओ तुमको कैसा लगा, तो बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और कैबिनेट कैसी लग रही है आप लोग बताना, 2 लाख रुपए के आसपास, 2 लाख 10 2 लाख 15 हजार के आसपास इसका बजट गया है, लेकिन उसमें और चीजिए समझ लो आप भाई साहब, ये समझो 1TB NVMe 3900 प्रोसेसर 360 AIO और आपका X570 मदरबोर्ड वाईफाई वाला वो भी, और उसके साथ साथ 3070 कार्ड उपलब्ध होकर गया ना है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला पीसी बना है। अब ये समझ लो इसको आने वाले पंडित कितने साल का चलेगा, ये जब तक पंडित जी का पेट अंदर नहीं हो जाता तब तक ये पीसी चलेगा, तो कैसा लगा सिस्टम आप लोग बताइएगा, और अपने अपने विचारों को व्यक्त कीजिएगा। कोई नया पीसी बाय कर रहा हो तो क्या करना, इनके ताकि नंबर यहाँ पे दिया होगा इस कोने में, इस पीसी की मिठाई चाहिए तो नमन का नंबर डाल देंगे इस पीसी की मिठाई के लिए, ठीक है। और चलिए पहली बार आप आए हो, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता हो तो डिसलाइक कर दो, और नीचे लिख दो नीचे कमेंट में कि अंकित भाई जब तक तुम अपना पेट अंदर नहीं करोगे हम लाइक नहीं करेंगे। अब देखो कैसे बैठोगे, देखो ये हाल देखो इनका हाल देखो, मैं मेरा भाई कैसे होगा, जनता इंसाफ चाहती है, भाभी हमारी चाहती है कि नॉर्मल पैक हो जाए तो शादी हो इनकी, ये भैया क्या है, ये कहते हैं नहीं बेबी मैं तुमको मल्टीपल पैक दूंगा, इतने पैक दूंगा कि तुम्हारा कभी तुम्हें नीड ही नहीं होगी पैक की, ठीक है भाई। सो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुशी से सेफ रहिए, उसी में आएंगे इन नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू, लॉट्स ऑफ लव,
बहुत बहुत शुक्रिया इतनी रॉ वीडियो देखने के लिए। अब आप लोग बहुत कहते ना 2,16,50 दे के लूट लिया, स्कैम कर लिया, दो लाख में 30-70 दिया, अब क्या, अब जो लूटा है, जो स्कैम जिसके साथ हुआ है वो सामने खड़ा है, अब बताओ। अब इसको तो है नहीं कि हम पैसा देके लाए हो, कि आप पैसा देके ले आए, नमन को खड़ा कर दिया, रहने वाला काशी का है, बनारस, चले जाना इसके घर, देख लेना, देख लेना, क्या क्या डालते हैं उस पर, ब्लॉग्स है, गेमिंग है, अनबॉक्सिंग है, व्लॉग भी डालता है, गेमिंग भी डालता है और अनबॉक्सिंग भी डालता है, अब स्ट्रीमिंग भी होगा, अब तो स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो गई। ठीक भाई, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सही हो।